बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर सरकार आंगनवाड़ी केंद्रों और उसमें बैठने वाले रेडी टू ईट व्यवस्था को भी बदलने की तैयारी में है। इसकी जानकारी महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने दी। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता रूपेश गुप्ता ने। प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैडम, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से पीडीएस में चेंज हो रहा है, उसी तरीके से क्या रेडियो टू एट में जो शिकायतें लगातार पिछले कई सालों से प्रदेश में आती रही हैं, उसमें भी कुछ चेंजेस होंगे क्या? बिल्कुल, हम लोग और अच्छा करने के लिए, उनमें विस्तार करने के लिए योजना बना रहे हैं और विभागों से भी चर्चाएं कर रहे हैं, जरूर चेंज करेंगे। क्योंकि सारे तरफ से शिकायतों की अंबार लग गई है कि हर आंगनबाड़ी रेडी टू ईट की गड़बड़ी है, तो इसमें कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आगे चल के ऐसा शिकायत का मौका ना मिले। इसके अलावा महिलाओं की स्थिति भी प्रदेश में बहुत ज्यादा चिंताजनक है, खासतौर से आदिवासी इलाकों में 9,000 से ज्यादा महिलाएं सिर्फ जशपुर जिले के आसपास से गायब है। ये विपक्ष में जब आप लोग रहे तो लगातार ये आरोप लगाते रहे, तो इन सब प्रॉब्लम को कैसे आप एड्रेस करेंगे? वैसे भी हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि महिलाओं को कैसे हम सुरक्षित रखें, तो इसके लिए कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सीएम का आदेश है। हमारे विभाग की तरफ से हम लोगों ने भी लेटर जारी किए हैं और ऐसे शिकायतें भी आ रही हैं, जिससे मैं पर्सनल होके हमारे अधिकारियों से, पुलिस अधिकारियों से चर्चा करके इसमें सुधार लाने के लिए कह रही हूँ, और आगे ऐसा ना हो इसके लिए भी हम सब विभागों के, महिला बाल विकास है, पुलिस विभाग है, समाज कल्याण, सब मिलकर इसमें कार्य कर रहे हैं। ये कुछ जो महिला आयोग है उसको भी कुछ मजबूत करने की दिशा में काम होगा क्या? इसीलिए अभी मैं मश्री जा रही हूँ, कार्यशाला है उसी में, महिला आयोग है ऊपर ही, तो देख के आते हैं उत्तरांचल में पूरे राष्ट्रीय स्तर के हैं, तो उसमें क्या होता है और वहाँ से भी कुछ अच्छा सीख के आएंगे और यहाँ से भी वो अच्छा करने को, तत्काल महिलाओं को न्याय मिले, ये हमारी प्रयास रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थी अनिला भेड़िया, जो बता रही थी कि महिलाओं को जल्दी से न्याय मिले, ये उनकी प्राथमिकता होगी। इसके अलावा जो आंगनबाड़ी केंद्र है वहां पे ज्यादा पोषण बच्चों तक कैसे पहुंचे, इसको लेकर के भी वो चिंतित है और सरकार भी इस योजना में आमूलचूल परिवर्तन करने के हक में है। कैमरामैन अखिलेश के साथ रायपुर से रूपेश।